हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवीश और आज बात करते हैं सेकंड टी20 मैच इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की। और पहला मुकाबला तो आपने देखा कि बहुत ही शानदार मुकाबला था। विराट कोहली ने एक जबरदस्त पारी खेली, टीम इंडिया को जीत दिलाई। आज के मुकाबले में क्या कुछ हो सकता है जो कि हमने स्टेडियम देखा है, बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम त्रिवेंद्रम का, और लश ग्रीन वहाँ पे आउटफील्ड भी नज़र आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त स्टेडियम है और उम्मीद ये करेंगे कि यहाँ पे भी एक एक्साइटिंग बैटल, जो कि फर्स्ट मैच था, अच्छा मैच था, हाई स्कोरिंग मैच था, वैसा ही यहाँ पे भी कुछ देखने को मिलेगा। चलिए की पॉइंट्स की बात करते हैं। पहले इंडिया के प्रस्पेक्टिव से, पिछले मुकाबले में रोहित शर्मा नहीं चले थे, तो आज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रोहित शर्मा का, क्योंकि बल्ला ज़्यादा दिनों तक खामोश नहीं रहता, और 2019 अगर किसी खिलाड़ी का साल रहा है तो वो रोहित शर्मा भी हैं। बहुत ज़बरदस्त उनकी बल्लेबाजी रही है, तो मैं आज एक्सपेक्ट करूंगा कि आज के मुकाबले में रोहित शर्मा के बल्ले से बड़ी पारी नहीं होगी। लोकेश राहुल ने अपनी पारी को बहुत अच्छा बिल्ड किया था पिछले मैच में, लेकिन उनको थोड़ा सा रोल अपना और आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 60 से। जैसे विराट कोहली का कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है और जब भी बड़ी पारी खेलते हैं तो उसको मैच विनिंग नॉक में वो तब्दील करते हैं, तो वो भी होना चाहिए। और ये जो है ये सीखना पड़ेगा लोकेश राहुल को, अपने जो साथी खिलाड़ी हैं स्पेशली जो विराट कोहली, उनसे उनको ये बात सीखनी पड़ेगी। विराट की अगर पिछली इनिंग की बात करें तो एक बहुत डिफरेंट इनिंग थी। एग्रेशन के साथ उन्होंने उस इनिंग को बिल्ड किया था। फर्स्ट 25 बॉल्स को आप भूल जाइए, लेकिन बात की जो 25 बॉल्स थी वो डिसाइडिंग थी, और वहाँ से उन्होंने बताया कि एग्रेशन के साथ किस तरीके से वो जीत दिला सकते हैं। आप बहुत सारे देखिए वर्ल्ड क्रिकेट, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो ये कोशिश नहीं करेंगे कि अगर वो अच्छा खेल रहे हैं तो अपने माइंड को डाइवर्ट करें या किसी और चीज़ में लगाएं, लेकिन विराट कोहली के एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग थे। उन्होंने कारन पोलार्ड को भी स्टेयर मोमेंट दिया, विलियम्स की उन्होंने कहते हैं कि रेसिप्ट काट ली, और बहुत सारे ऐसे मोमेंट थे जहाँ पे उन्होंने दिखाया कि अगर आप मुझे एग्रेशन दिखाएंगे तो मैं डबल एग्रेशन से उसका जवाब दूंगा और रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। बैट से ही आपको जवाब नहीं दूंगा बल्कि अपने एक्सप्रेशन से भी आपको जवाब दूंगा। तो हैट्स ऑफ टू विराट कोहली, क्या पारी उन्होंने खेली, और ये बताता है कि इस जनरेशन में उनके आसपास कोई खिलाड़ी नहीं है अक्रॉस ऑल थ्री फॉर्मेट्स। गेंदबाजी की अगर मैं बात करूँ, फील्डिंग की पहले बात करते हैं। बहुत सारे कैचेस इंडिया ने ड्रॉप किए, शायद ड्यू का फैक्टर रहा हो या स्पीड रही हो, लेकिन फिर भी इस पे भारत को ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि पिछले मुकाबले में हुआ था वो यहाँ नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से जो हमारे बॉलर हैं स्पेशली दीपक चाहर, शायद उनको विकेट और मिल चुके होते लेकिन अनसक्सेसफुल हो गए क्योंकि कैचेस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुए। भूवी और चहल का कॉम्बिनेशन सही है, और उसके अलावा चहल का और रविंद्र जडेजा का कॉम्बिनेशन स्पिन में ये भी सही है, तो ये मुझे नहीं लग रहा कि भारत तो अपने कोई प्लेइंग 11 में चेंज करने वाला है, और शायद अभी जगह भी नहीं बन रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि संजू सैमसन, क्योंकि लोकल बॉय है तो उनको चांस दिया जाए, मुझे इसकी पॉसिबिलिटी भी थोड़ी कम लग रही है। एक चीज़ भारत को अपने प्लेइंग 11 में जरूर देखनी पड़ेगी कि ऋषभ पंत एट नंबर 4, मुझे नहीं लगता कि नंबर 4 के वो प्लेयर हैं। वहाँ पर श्रेयस अय्यर को भी आना चाहिए क्योंकि श्रेयस अय्यर नंबर 5 के प्लेयर हैं। ऋषभ पंत अगर नंबर 5 पर आएंगे तो वो, जैसा कि पिछले मैच में हमने देखा कि आते ही उन्होंने एक सिक्स लगा दिया था, उनके पास सिक्स हिटिंग एबिलिटी है और वो नंबर 5 की पोजीशन को जस्टिफाई करेंगे। अगर श्रेयस अय्यर ऊपर आएंगे, वहाँ पे इनिंग को थोड़ा सा बिल्ड भी करना होगा 3-4 ओवर के लिए, तो वो उस रोल को कर सकते हैं। तो ये एक शफलिंग होनी चाहिए भारत के प्लेइंग 11 में और भारत की बैटिंग ऑर्डर में। चलिए बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ की। डेविड लुइस ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, एटमायर अच्छा खेले थे, पोलार्ड का भी अच्छा कैमियो था, जैसन होल्डर का अच्छा कैमियो था, लेकिन मुझे उनकी गेंदबाजी में दम नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन कॉटरेल को छोड़ के, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी की, और कॉटरेल की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि बहुत ही इंटेलिजेंट बॉलर हैं। आप देखिए जिस तरीके से गेंदबाजी उन्होंने ऋषभ पंत को कर रहे थे कि स्लोअर डाल देते हैं, ऑफ कटर डाल देते हैं, तो बहुत मिक्स करते हैं अपनी गेंदबाजी को। लिमिटेशन है उनके पास, लेकिन मिक्सअप बहुत अच्छा करते हैं अपनी बॉलिंग को, और वो एक सोल बॉलर दिखाई दे रहे हैं इस वेस्ट इंडियन बॉलिंग लाइनअप में, जो कि कुछ परेशान कर सकते हैं भारतीय बल्लेबाजों को, क्योंकि विराट कोहली को भी दिक्कत हो रही थी उनके साथ खेलने में, और उस तरीके से क्योंकि रूम ही नहीं दे रहे थे विराट कोहली को और रोहित शर्मा को भी। तो ये एक अच्छी क्वालिटी, अगर उनसे 92 ओवर करवा लेते कारन पोलार्ड तो मुझे लगता है कि थोड़ा मैच और क्लोज जा सकता था, तो थोड़ा कप्तानी के लिहाज से भी कारन पोलार्ड को सोचना होगा। देखिए वेस्ट इंडीज़ टीम की अगर मैं बात करूँ और उनके बल्लेबाजों की बात करूँ, वो 1/5 गियर पर खेलते हैं कि अगर एक बॉल को रोका तो सारे ही खिलाड़ी रोक के खेलने में विश्वास नहीं करते हैं। तो अगर वेस्ट इंडीज़ की फिर से बल्लेबाजी आती है पहले, तो उनकी पूरी कोशिश यही होगी कि बड़ा टारगेट निकल जाए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा गेंदबाजी भी होनी चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए, वो वेस्ट इंडीज़ में अभी गेंदबाजी नज़र नहीं आ रही है। तो एक बार फिर से इंडिया फेवरेट टीम होगी, और अगर इंडिया ने टॉस जीता तो इंडिया फिर से चेस करना ही पसंद करेगी, क्योंकि विराट कोहली ने भी पिछले मैच में कहा था कि वो हमारी स्ट्रेंथ है और हम उसी पे जाना पसंद करेंगे। पहले इंडिया के लिहाज से बस एक ही कंसर्न रहेगा कि मिडिल ऑर्डर हमारा अभी भी थोड़ा सा मुझे कमज़ोर नज़र आता है। अगर विराट कोहली नहीं है तो फिर कौन है, ये बड़ा सवाल। अगर आप चेज़ करें विराट कोहली, अगर आप जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर आपके पास कौन है? आपके पास धोनी भी नहीं है, आपके पास हार्दिक पांड्या भी नहीं है।
ये अगर आप मिशन 2020 की तरफ जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें और ये सारे पहलुओं को आपको जहन में रखना होगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे यूडीबी स्पोर्ट्स चैनल एंड स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। न्यूज स्टेट के नाम से हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर का पेज है, उसको लाइक कर सकते हैं, कॉमेंट भी कर सकते हैं।